नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमएस गार्डन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पोर्टुलोका की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि पोर्टुलोका को हम पॉट में किस तरीके से लगा सकते हैं और उस पर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ग्रोथ कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं और इसकी केयर के बारे में बताएंगे और पॉट में हमें इसके कटिंग किस तरीके से लगानी है, ताकि दोस्तों आप भी अपने घर पर पॉट में जल्दी से जल्दी लगा सको और उसकी ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा पा सको। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये पौधे को देख रहे हो, ये पौधा पोर्टुलोका का है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि पोर्टुलोका नाइनो क्लॉक और पोर्टुलोका ग्रैंड फ्लोरा। तो दोस्तों, इसके कुछ इस तरीके से नाम हैं। और आपको बता दें दोस्तों, इसके जो फूल हैं वो कई तरीके के होते हैं, सफ़ेद भी होता है और लाल भी होता है और गुलाबी भी होता है। तो दोस्तों, इसके रंग बिरंगे फूल आते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हो, बिल्कुल इसके दो तरीके के फूल दिख ही रहे हैं अभी। और दोस्तों, इसमें लाल भी फूल है। तो दोस्तों, इसकी कई तरीके की वैरायटी भी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी कुछ केयर टिप्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों, इसकी केयर ये है कि दोस्तों, ये जितनी धूप मिलेगी इसे उतना ही ये खिलेगा। तो दोस्तों, ये धूप में ज़्यादा खिलते हैं, आप देख सकते हो रंग बिरंगे फूल हैं, रेड और येलो और वाइट भी है इसमें। तो दोस्तों, आपने पिंक तो देख ही लिया। तो दोस्तों, इसकी जो केयर इस तरीके से है कि हमें इसकी देखभाल अच्छे से करनी है और इसकी मिट्टी की भी गुड़ाई करनी है और इसमें पानी भी टाइम से देना है और दोस्तों, इसे धूप भी ज़्यादा से ज़्यादा देनी है। तो दोस्तों, जितना इसे धूप लगेगी उतना ही ये खिलेंगे और दोस्तों, इसी तरीके से इस पर फूल लगते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारी इसकी केयर टिप्स पूरी हो चुकी हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से इस पर फूल खिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ इस तरीके से बताएंगे कि आप भी अपने घर पर पॉट में इसको लगा सकते हो और जल्दी से जल्दी इसकी ग्रोथ पा सकते हो। तो दोस्तों, आपको अब बता देते हैं इस तरीके की फूल पाने के लिए और इसकी जल्दी ग्रोथ पाने के लिए इसमें कुछ इस तरीके से फर्टिलाइज़र यूज करना पड़ेगा, वो अब हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, इसकी हमें मिट्टी अच्छे से बनानी है, इसमें खाद लेना है और मिट्टी लेनी है और दोस्तों, इसमें कुछ जला हुआ लकड़ी का भी खाद है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें इसकी मिट्टी बनानी है ताकि हमारा जो पोर्टुलोका का प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, पहले हमने इसमें दो तीन तरह की मिट्टी मिला ली है और इसमें वर्मी कंपोस्ट भी अभी डालेंगे थोड़ी देर में और इसमें हमने खाद तो ऑलरेडी गोबर का डाल दिया है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी मिट्टी कंप्लीट हो चुकी है बनकर। अब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे ताकि पोर्टुलोका नाइनो क्लॉक ग्लैंड फ्लोरिया का पौधा हमारा अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों, हम इसमें से वर्मी कंपोस्ट मिला देंगे निकाल कर। तो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है जो अब हम इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, ये बर्मी कंपोस्ट वो चीज़ है जो कि हमारे जो सब्जियों में से बनता है, जैसे कि गाजर मूली जो कुछ भी है, जो वेस्ट मटेरियल होता है किचन का, उसमें से ये एकदम से अच्छे से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम इस मिट्टी को इसमें डाल देंगे पॉट में। दोस्तों, हमने इसमें मिट्टी अच्छे से डाल दी है और अच्छे से भर देंगे इसमें मिट्टी। तो दोस्तों, मिट्टी इसमें डालने के बाद हम इसमें कटिंग लगाएंगे ताकि हमारा जो पोर्टुलोका है ना वो अच्छे से ग्रोथ इसमें कर सके। तो दोस्तों, हमने ये कटिंग ली हुई है। तो दोस्तों, अब हम इसमें लगा देंगे अच्छे से ताकि इस पर अच्छे से फूल आ सकें। तो दोस्तों, मैं ये सब आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने गमलों में लगा सको और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सको। तो दोस्तों, मैंने इसमें कटिंग लगा दी है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारी एकदम से कटिंग इसमें लगकर तैयार हो चुकी है। हमने इसमें बहुत कुछ डाला था ताकि इसमें अच्छे से ग्रोथ हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इस तरीके से आप भी अपने घर पर लगा सकते हो पॉट में। तो दोस्तों, चलिए अब हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये एकदम से 2 दिन बाद अच्छे से तैयार हो जाए और इस पर फूल ज़्यादा से ज़्यादा लगने लग जाएँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें पानी लेंगे। तो दोस्तों, हमें इसमें पानी उसी हिसाब से डालना है जिस तरीके से हमारा जो पॉट है। तो दोस्तों, हमारा पॉट जो है अभी छोटा है और दोस्तों,
इसमें नमी करनी है हमें थोड़ी सी, ताकि ये अच्छे से अपना ग्रोथ कर सके। तो दोस्तों हमने इसमें पानी डाल दिया है, कुछ इस तरीके से 2 दिन बाद हमारा दिखेगा कि उस पर फूल ही फूल लदे होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इसको 2 दिन हो चुके हैं, इस पर फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो पिंक, येलो, वाइट इस तरीके के इस पर फूल आए हुए हैं। तो दोस्तों आप सभी चाहते हो कि हमारे पॉडोलोका के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके से करने से आपके प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये सिंपल तरीका बताया है पॉटोलोका के प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने का। तो दोस्तों देर मत करिए, आप भी पॉटोलोका का प्लांट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल प्राप्त करिए। तो दोस्तों अगर आपने ये पौधा नहीं लगाया है अपने घर पर या गार्डन पर, तो देर मत करिए, आप भी जल्दी से ये पौधा लगा लीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी एक और नए टॉपिक के साथ।